पाकिस्तान में मुलाकात के नाम पर कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी को अपमान किया गया तो उससे पूरा देश आहत है। पूरे देश में पाकिस्तान का विरोध मुखर हो रहा है। इतना ही नहीं, निजी चैनलों पर पाकिस्तान की तरफ से डिबेट करने वाले तारिक पीर ज़ादा ने तो चैनल पर डिबेट के दौरान कुलभूषण की पत्नी और माता को आतंकवादी कह डाला, जिससे क्रोधित होकर मुरादाबाद के सर्वदलीय हिंदू संगठन के प्रमुख ने पाकिस्तान कुत्ता है लिखा पोस्टर लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। पोस्टर में पाकिस्तान का झंडा और कुत्ते की तस्वीर है। उनका कहना है कि तारिक पीरज़ादा की माँ भी आतंकवादी है, उसकी बीवी भी आतंकवादी है और पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है। अभी तो कुत्ता लिखा है, वहीं उनका कहना है कि अभी तो कुत्ता ही लिखा है, लेकिन यदि यह नहीं माने, पोस्टर मैंने इसलिए लगाया है कि कल 4 बजे की बहस में, ABP न्यूज की बहस में अमिताभ एंकर जो है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी नरसिंह राव के सामने पाकिस्तान के जनरल ने ये कहा कि जो बिंदी उतारी गई है कुलभूषण की मदर की चूड़ियाँ उतारी गई हैं, बिंदी उतारी गई और आपका मंगलसूत्र उतारा गया, उसके बाद भी वो कहता है कि कुलभूषण जो है आतंकवादी है, वो इनकी अम्मा भी आतंकवादी है, इसकी बीवी भी आतंकवादी है। इसी बात से क्रुद्ध होकर, क्योंकि तो वो ये कह रहे पूरा हिंदुस्तान भी आतंकवादी है, कल इस बात को देखकर आप देख ले टीवी चैनल पर जी न्यूज के 4 बजे की एंकर की जो बहस हो रही थी उसके अंदर इसने कहा कि पूरा हिंदुस्तान आतंकवादी है। इसी से क्रुद्ध होकर मैंने ये पोस्टर लगाया है कि पाकिस्तान कुत्ता है। ये तो सिर्फ मैंने कुत्ता, इसीलिए मैंने ये पोस्टर लगाया है क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान को आतंकवादी बता रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि आतंकवादी है तो केवल दुनिया के अंदर पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान में ही सारे आतंकवादी रहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो भी पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादी हरकतें होती है तो पाकिस्तान की तरफ ही इशारा होता है, वो पाकिस्तान ही आतंकवादी है। आतंकवाद में जितने भी कांड हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ही उसमें पकड़ा जा रहा है, और वो उल्टा हुआ आरोप हमारे पे लगा रहा है कि उसकी अम्मा जिनकी मंगलसूत्र उतार लिया, जिनकी बिंदी उतार ली, जिनकी चूड़ियाँ उतार ली, जिनका कपड़ा उतार लिए, उन्हें आतंकवादी बता रहा है ये। इसीलिए मैंने उससे क्रुद्ध होकर ये कहा है कि पाकिस्तान कुत्ता है। मैं सर्वबलीय हिंदू संगठन, हिंदू प्रमुख सर्वबलीय हिंदू संगठन, यानी कि पूरे शहर के हिंदुओं की जिम्मेदारी मेरी है, मंदिरों की जिम्मेदारी भी मेरी है। अच्छा, ये चैनल पर जो आपने डिबेट देखी आपने ये किया है सब कुछ चैनल पर डिबेट देखी, तो उसके बाद में आपके जहन में ये चीज आई कि आपने ये कहा? हाँ, क्या उसे चैनल पर ये जनरल है वो, हाँ। तारिक पीरज़ादा जनरल है, उसने ये शब्द कही, कोई आम आदमी नहीं है ये। क्या कहा था आपने? उसने ये कहा इसकी अम्मा और इसके लिए किसी भी ये आतंकवादी है और भारत भी आतंकवादी है और नरेंद्र मोदी भी आतंकवादी है। नरेंद्र मोदी का बार बार इसने नाम लिया है, वो कल जाके इस बात को देख सकते हैं आप जी न्यूज की 4 बजे की बहस, स्पेशल बहस थी वो, उसमें देख रहे हैं आप। अभिषेक शर्मा जो है अभिषेक एंकर इनके सामने कही। तो आपने क्या स्लोगन क्या दिया है, क्या पोस्टर क्या लगाया आपने? पोस्टर नहीं लगाया है, पाकिस्तान कुत्ता है।